बीच में नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप राठौर। आज यहां शामली कलेक्ट्रेट पर किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सवित मलिक जी, उन्होंने धरना दिया हुआ है। उनके क्या मांगे हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो किन मांगों को लेकर धरना दिया है आज? ये धरना आप चौधरियों की अध्यक्षता में है, बाबा रविंदर सिंह मलिक जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे खाप चौधरी है, राष्ट्रीय लोकदल है, समाजवादी पार्टी है और देहरादून दिल्ली हाईवे कमेटी के लोग भी हैं। और ये किसान हित में धरना है, सभी किसानों का धरना है और मेन मुद्दा गन्ना का है। जैसे कि आप भी जानते हो, हमारा लगातार संघर्ष करते हैं किसानों के लिए और हम लगातार किसानों की आवाज उठाते हैं, लेकिन हम जब भी आते हैं हमको आश्वासन मिलता है लेकिन कभी भुगतान नहीं मिला है। इसी को लेकर 2 साल पहले भी हम 16 दिन लगातार धरने पर बैठे थे, तब इन्होंने दिया था। तो आज किसान उग्र है और किसानों ने समय दिया है, किसान कुछ न कुछ लेकर यहाँ से जाएगा। खाली हाथ किसान जाने वाला नहीं है। धरने के साथ साथ और क्या प्रमुख मांगे हैं जो इसको लेकर धरना दिया जा रहा है? प्रमुख मांगे बहुत सारी है, लेकिन मेन मुद्दा गन्ने का है। इसलिए है कि किसान की जेब खाली है, किसान ने तो हर खाली जेब मना लिया है और अभी वही है। जब किसान की जेब में खाद बीज लाने के पैसे नहीं है, कैसे वो खेती करेगा? कैसे किसान की आय बढ़ेगी? किसान की आय 2022 में दुगनी करने का वादा किया था, लेकिन एनसीईआरटी का आंकड़ा है कि 38 से 40% किसान की आय घटी है। और 19-20 का एनसीईआरटी का आंकड़ा है, 18% किसानों ने ज्यादा आत्महत्या की है। यानी कि किसान मजबूर है और परेशान है, ये किसान को झुंझुना दे रहे हैं। और उद्योगपतियों के दबाव में सरकार काम कर रही है। उद्योगपति पैसा किसान का दबाया है, किसान का पैसा नहीं मिल रहा और किसान को ब्याज भरकर पैसा बैंक से लेना पड़ रहा है। तो बहुत सारी किसान के सामने समस्या है, किसान मजबूर होकर यहाँ पर आया है। आप देख सकते हैं, झोल का सीजन है, मिल चालू हो चुके हैं और गेहूं की बुआई चल रही है, सादियों का सीजन है, फिर भी सारा काम धाम छोड़कर किसान यहाँ पहुंचा हुआ है। हमारे साथ रालोन नेता प्रसन्न चौधरी भी, हम उनसे भी बात करेंगे। 14 दिन के भुगतान की बात बीजेपी सरकार ने की थी, अब तक भुगतान नहीं हो पाया, जबकि गन्ना मंत्री कहते हैं कि हमने बहुत सारा भुगतान पिछली सरकार के मुताबिक कर दिया है, तो उसमें आपका क्या कहना है? ये सरकार हमेशा झूठ बोलती है। 14 दिन का वादा करा था, 14 दिन में पेमेंट नहीं आया, 14 महीने में भी पेमेंट नहीं हुआ। दूसरी बात, इन्होंने किसानों की आय दुगनी करने का वादा करा था, किसानों की आय आधी होगी। ये सोचना चाहिए ना, समझना चाहिए। 2015 से यदि ये बात लगा हुए तो डीजल और पेट्रोल का भाव दुगना हो गया, 50-60 रुपए से लेकर 100 रुपए हो गया, तो आय तो एक चौथाई होगी। डीजल का भी खर्चा है आजकल, किसानों की बुआई गेहूं की आ गई, लेकिन अब उन्हें लाइन में लगा के खाद नहीं मिल रहा, खाद का रेट बढ़ गया है, डीएपी किस रेट में आ रहा है, लाइन में लगा के लोग किसान मर रहे हैं, ललितपुर की घटना है। ये सरकार किसानों की तरफ इसका कोई ध्यान नहीं है और ये किसानों की तरफ से मुंह मोड़ रही है। ये ऐसा चलेगा नहीं, इसका जवाब किसान देगा। अब हमारे क्षेत्र का मेन मुद्दा गन्ना है और गन्ने का भुगतान इसी जिले का 340 करोड़ रुपए अभी डीसीओ साहब बैठे, उन्होंने आंकड़ा दिया है। हमारे मंत्री जी ये कहते हैं कि भाई मैं तो गन्ना लेने की गारंटी थी, पेमेंट देने की बहुत वो नहीं करते, तो इसका जवाब किसान देगा 2022 में। जबकि किसान को हमारे साथ गन्ना अधिकारी भी इस समय यहाँ पर धरने पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या प्रोसेस है गन्ना भुगतान की, चल रही है अब तक क्या सरकार ने? इसमें लगातार जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से बैठक करा और पहले भी गन्ना महोदय के द्वारा भी नोटिस वहाँ भी दबाव डालते भुगतान करने की कार्रवाई की जा रही है। और जितनी जल्दी जल्दी कोशिश है, पिछले शाहजहानपुर से जब हमने कब तक गन्ना भुगतान, दिसंबर आपने बात की है, दिसंबर तक का भुगतान किया जाएगा? अलग तीनों चीनी मिलों द्वारा अलग अलग डेट दी गई है, शाहजहानपुर में होता है, जिसमें जो है माना मोहन चीनी मिल द्वारा लागत मंगवाई गई है तो लगभग 411 रुपए मिल द्वारा 10 दिसंबर पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। इसके बावजूद और शामली चीनी डीजल के रेट करीब करीब 30 रुपए पिछले साल एक साल में बढ़ चुके हैं। अभी अब तक धरना कब तक जारी रहेगा, क्या रणनीति आगे रहेगी अगर सरकार अभी रेट बढ़ा रही है, तो क्या आप पूरा क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस जिले में हमने पहले भी धरना दिया, 16 दिन लगातार यही धरना चला और बाबाओं के आशीर्वाद से वो धरना चला था। आगे जो ये निर्णय लेंगे वो होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो गन्ना मंत्री हमारे, इन्होंने खुद 65 दिन इस जिले में धरना दिया है भुगतान को लेकर,
तो क्या ये किसान की मजबूरी नहीं समझते? जब ये 65 दिन धरने पर बैठे थे वो दिन कहाँ भूल गए? आज गन्ना मंत्री बन गए, क्या उद्योगपतियों का दबाव है इनके ऊपर या सरकार का दबाव है? अगर कोई दबाव है तो हम पब्लिक को बताएं, इस्तीफा दे सरकार से, हमारे बीच में आके बैठे। पहले भी तो धरना देते थे, आज क्यों धरना नहीं दे सकते? क्या सत्ता का लोभ इनको किसानों के साथ खड़ा होने से रोक रहा है? अरे फिर भी आप हमारे बीच में आओगे, आज नहीं आओगे कल आओगे, फिर भी आपको धरना देना पड़ेगा। आज आपके हाथ में पावर है, उसका इस्तेमाल करिए। गन्ना अधिकारी भी आपके बीच में, इन्होंने भी आश्वस्त किया है, मगर फिर भी धरना कहाँ तक का, कब तक का चलने की? अभी हम इनकी बातों से आश्वस्त नहीं है, और अभी मिल मालिक भी आ रहे हैं, मिल के कर्मचारी आ रहे हैं, और प्रशासन भी है। जो आगे का फैसला होगा, बाबा फैसला करेंगे, वही निर्णय होगा। आपका क्या कहना है? आप सपा समाजवादी पार्टी भी पहले किसान हूँ, ये मोदी की आदमी है, हमें चाहिए गन्ना। 400 रुपए का सिलेंडर था, सब तरह से ज्ञापन निर्णय होना है। आज बाबा जी हमने ये आयोजन किया, मतलब ये समर्थन है किसान की तरफ से भी, राजनीति की तरफ से भी बाबा आपको समर्थन है। गन्ने के भुगतान पर आज फाइनल जजमेंट होना है, जो भी होगा आज डीसीओ साहब की जिम्मेदारी लेकर यहाँ सारा काम होगा। डीसीओ साहब इस गन्ने के मालिक हैं, जिले के, ये मंत्री से पैसा दिलवाओ, ये मिल वालों से पैसा दिलवाओ, हम गन्ना देते हैं सोसाइटी को। धरना जारी रहेगा जब तक कोई डिसीजन नहीं होता है। हाँ, धरना तो जारी है ही, बस ठोस निर्णय होगा आज, कोई ठोस निर्णय होगा। तो साफ तौर से किसान यहाँ पे जो धरने पे मौजूद है, हमारे साथ में बाबा जी, बाबा जी का क्या मानना है अभी सरकार गन्ने के पेमेंट को लेकर थोड़ा अभी वो दिखा रही है, जबकि ये कहना है कि पिछली सरकार से ज्यादा अभी गन्ने का भुगतान सरकार में हो चुका है, तो क्या मानना है आपका धरने में? कहने से मतलब क्या है? मतलब ये तो बकाया भुगतान रह गया, उनके कहने से क्या हो, रिकॉर्ड देख लो, 350 करोड़ के करीब 25 रुपए का तो बढ़ाया भी है, फिर वाई होगी 25 रुपए बढ़ाए, और पिछला देने रहे बढ़ाए कर, उसका क्या मतलब है? मुद्दा है पेमिट का, गन्ना हमारा पेमिट हो, दूसरा दस चालू हो गया, कब तक मांग करेंगे दूसरे दस का भी? 14 दिन में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था 14 दिन में पेमिट होगा, हम किसान तो बल्कि यहाँ तक कह दिया था, अखबार उधर तो पर्चिया लो, उधर आपको चेक मिल जाएगा अगले मान, तो फिर इसमें क्या है? मतलब या तो वे झूठ बोलते हैं, किसानों को बहकाते हैं, इसका विचार तो करें कम से कम, पता तो हम झूठ बोल रहे हैं, बहका में या वोट लेने का काम करें, या जनता का प्रतिनिधित्व करें, उन्हें हम उनकी समस्या का हल करें, कुछ तो बतावे, समस्या बरकरार है। हमारे साथ सपा के जिला अध्यक्ष भी हैं अशोक चौधरी जी। सर, धरने को लेकर आप यहाँ पे बैठे हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं किसानों की अभी? देखिए, आपका भी धन्यवाद कर दूं, क्योंकि मीडिया भी एक बहुत बड़ा स्तंभ है और आप ही किसानों की आवाज को उठाते हैं। धरने का तो आज चौधरी साहब का आदेश हुआ था कि भाई भुगतान हो नहीं रहा, इसमें सभी छोटे बड़े किसान परेशान हैं, और आज इस सहयोग के लिए किसान भारतीय जनता पार्टी, हाँ जब से सरकार आई तब से ही जो है किसान परेशान है गन्ने के लिए, और ये तो बता देते हैं कि गन्ने का हमने इतना भुगतान कर दिया 1.5 लाख करोड़ रुपया, ये कभी मंत्री जी ने बताया इतना बकाया है? जबकि आज डीसीओ साहब ने अभी भी बताया 167 करोड़ रुपया थाना बोंद, जहाँ से वो खुद मंत्री हैं, बकाया है। शामली का लगभग 100 करोड़ रुपए बकाया है, 65 करोड़ के आसपास जो है उनका है, यानी कि 350 करोड़ रुपया जो जिले से मंत्री हैं सुरेश राणा जी, उन्हीं के जिले में आज 350 करोड़ रुपया बकाया है। तो और प्रदेश की हालत देखिए, कितना बड़ा सरकार झूठ बोलती है कि हमने गन्ने का इतना भुगतान कर दिया, पता नहीं कहां से आंकड़े मुख्यमंत्री जी को झूठे पेश किए जा, प्रधानमंत्री तक जी को बताया जा, समझ में ये नहीं आ रही कि वो उन लोगों से क्यों नहीं पूछते जो अधिकारी यहां बैठे हुए हैं कि किस मिल का कितना बका है। अधिकारी ने तो दिसंबर तक का वादा किया है कि दिसंबर तक का हो जाएगा। देखिए, अधिकारी क्या कर सकते हैं इसमें, जब सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री ये घोषणा कर देते हैं कि हमने सारा भुगतान कर दिया, अधिकारी क्या करें? अधिकारी को तो अपनी नौकरी बचानी, भाई हमारे किसान इतने आत्महत्या कर चुके, 600 किसान 700 वहाँ बॉर्डर पर कर चुके, 12 महीने से किसान बच्चा है, इतनी निर्दयी सरकार तो अंग्रेजों की नहीं थी, 11 महीने में तो वो मान गए थे 1908 में जो है, जो नेतृत्व उनके भगत सिंह के चाचा जी थे जीत सिंह जी, उनके नेतृत्व में भी चला था 1908 में अंग्रेजों के टाइम में, 11 महीने में वो अंग्रेज भी झुक गए थे किसानों से, जो 9 महीने में मान गए थे।
12 महीने हो चुके हमें वहाँ बैठे हुए। हम सभी इस जिले से भी लोग जाते हैं किसान, वहाँ राशन भी लेके जा रहे, हमारे पर आरोप तक लगा जा कि उग्रवादी हैं, ये तो प्रदर्शनकारी हैं। उन्हें समझ ये नहीं आ रही कि 600 किसान आत्महत्या कर लिए, आज तक सदन में उन्होंने ये बात नहीं उठाई। इतनी निरंकुश, इतनी निर्दयी ऐसी सरकार 76 वर्ष में इन किसानों ने तो देखी नहीं। हमारे चौधरी चरण सिंह जी कहा करते जब इनका दिवे का निशान था, अग भाई ये गांव में ना घुस जा, और ये गलती जो हमारे युवा हैं उनको इन्होंने बहका लिया कि हम तुम्हें हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, गरीबों के थैले सिमवा दिए, उनके खाते खुलवा दिए, उन्हें ये आश्वस्त कर दिया कि तुम्हारे खातों में पैसा जाएगा और किसान की आमदनी दुगनी। तो क्या किसान इस सरकार के टाइम में ऐसा कभी नहीं हुआ। हम भी बचपन से किसान, अपने बाबा जी से पिताजी के साथ रहे खेती में, ऐसा कभी नहीं हुआ किसान कर्ज बंद हो गया हो, दुगुना कर्ज बंद हो गया किसान इस सरकार के। कुंवर पाल मालंडी, राष्ट्रीय लोकदल से। 2 महीने पहले डीसीओ साहब भी बैठे हैं, हमने राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व में इनके यहाँ धरना प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा था कि 20-25 करोड़ इस टाइम देंगे और मिल चालू होने से पहले सारी पेमेंट कर देंगे। अभी टोटल 350 करोड़ है, 200 करोड़ के टोटल मिल है, इनकी जो कोस्ट ऑफ लगाई जा मिल की 200 करोड़ है, 100 करोड़ तो इस पे बकाया है। ये जानबूझ के सरकार मिल मालिकों से मिली हुई है, जानबूझ के पेमेंट डिले किया हुआ है। 3500 करोड़ आपने ने, जब प्रधानमंत्री जी ने 3500 करोड़ कहा कि मिल मालिकों को दिया आपके सामने, और उसके बाद भी हमारी पेमेंट नहीं कर पाए। अब हमने त्योहार कैसे मना लिए, अब हमें दूसरी बुआई, रवी की बुआई, गेहूं की बुआई, आप तो खुद किसानों के बीच में रहते हैं, कहां से खाद लाएं, कहां से बीज लाएं, कहां से कीटनाशक दवाएं लाएं, आप बताएं तो सही, तो कहां से बिजली के बिल दें, हमारे बिजली के कनेक्शन काट रहे हैं, और हमें ब्याज तो बहुत दूर की बात है, ब्याज की तो माफ की बात कर दी है योगी सरकार ने, जो बिजली का जो बिल है उसके ब्याज की माफ, बिल का 175 रुपए पर हाउस पावर है, 175 रुपए जो जाया जाए क्या, बराबर में हरियाणा है 35 रुपए पर हाउस पावर है, वहाँ भी तो बीजेपी की सरकार है, वहाँ गन्ने का रेट जो है 350 360 है और पंजाब में 362 है, वहाँ की रिकवरी 9% है, हमारी रिकवरी 13% है। ये तो आपको पता, हमारी पेमेंट मिल नहीं रही, तो ये तो मिल मालिकों का सरकार से मिले हुए हैं और कोई सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही। जब तक डीसीओ साहब ये कहे कि आज हमें कल कितना पेमेंट मिलेगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं दोनों में सहयोग बने, लेकिन टाइम से किसान को पेमेंट नहीं मिलेगी, हमारा बिजली कनेक्शन काट देंगे, हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं कहाँ से देंगे, और खासकर रवी की बुआई, चलो तीज त्योहार तो हमने जैसे करके मना लिए, लेकिन अब पीक टाइम है 1 महीना गेहूं की बुआई का, इसमें तो हमें पेमेंट फटाफट रिलीज करी चाहिए, हमारा कहना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसानों का साफ तौर से कहना है कि जो गन्ने का जो पेमेंट है वो 14 दिन का भुगतान बीजेपी सरकार ने कहा था कि तू 14 दिन के अंदर भुगतान कर दे, मगर अब तक किसानों का भुगतान अभी बकाया है, मिल पर बकाया है, उसको लेकर यहाँ पर धरना चल रहा है और आगे भी ये धरना चलता रहेगा। प्रताप राठौर, इन एक्सप्रेस 24/7, शामली।